सीतापुर के गांजरी इलाके में नदियां कहीं कटान का कहर बरपा रही हैं, तो कहीं बाढ़ का पानी घरों में घुस जाने से ग्रामीण ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से जिले की शारदा और सरयू नदियां हर रोज तबाही की नई इबारत लिख रही हैं। तहसील बिस्मा के गोलू कोडर का मजरा फौजदार पुरवा द्वितीय में घाघरा तेजी से कटान कर रही है। गाँव के भोला सनीही सुंदरलाल गया प्रसाद का मकान कटान की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीण जनकलाल व जगदीश अपना आशियाना अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं। परमेश्वर पुरवा में भी कटान जारी है। यहाँ मुकद्दम नंद किशोर राम सुमेर रामदास के आशियाने को घाघरा ने अपने में मिला लिया है, जबकि कटान की जद में कैलाश कीरत और सुंदरलाल का घर आ चुका है। यहाँ लोग मकान तोड़कर भवन सामग्री बचाने की जुगत में लगे हैं। कटान के साथ ही घाघरा का पानी धीरे धीरे निचली जगहों पर फैलने लगा है। अब तक फौजदार पुरवा निर्मल पुरवा मरैली पासिन पुरवा आदि गांव जलमग्न होने लगे हैं। पानी इन गांवों में पहुंचने लगा है। बाढ़ आने का खतरा भांप कर ग्रामीण पलायन की तैयारी कर रहे हैं। सिंचाई विभाग की उदासीनता का आलम यह है कि तहसील लहरपुर में कोल्हू पुरवा परियोजना के तहत बनाए गए बंधे से 3 दिन से लगातार पानी निकल रहा है। विभाग अभी तक इसे रोक नहीं पाया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। बता दें, यहाँ 473.60 लाख से कटान रोधी कार्य कराया जा रहा है। तहसील महमूदाबाद के अकरी के शंकरपुरवा और कनरखी के बलेसरपुरवा के कई घरों में पानी 2 दिनों से भरा है। अंगरौरा गुड़ियनपुरवा सिकरी के ग्रामीण ऊंची जगहों पर शरण लिए हैं। अंगरौरा प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार ने बताया कि काली दीन लल्ली देवी सुदामा परागी सत्यनारायण फेरे दयाराम कन्हई सहित करीब 50 परिवार चहलारी घाट बंधा और अंगरौरा जाने वाली सड़क के किनारे गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन स्तर से इन पीड़ित परिवारों को तिरपाल तक मुहैया नहीं कराया गया है। उधर बैराजों से पानी छोड़े जाने का क्रम जारी है। शुक्रवार को शारदा व गिरजा बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।